जी बिल्कुल ठीक। और उत्तर वेरी राइट वेरी राइट। और और सर अगर हाँ जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक वेरी राइट। तो बेटे मैं एक मिनट में ब्रीफली बोल देता हूँ। सारे स्टूडेंट्स बेटे ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार। डियर चिल्ड्रन समझ लीजिए एक बार। आपके आंसर शीट के फॉर्मेट में आपको जो अपने पर्टिकुलर्स हैं वो तो चलो हमने फिल करना ही है बेटा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर के सामने फोर सर्कल्स होंगे। आपको ए बी सी डी जैसे पता ही आपने डार्क करना होता है उसमें से एनी वन, और जो भी आपका डार्क किया हो उसको आपने आगे वो एक बॉक्स में लिखना भी है, ठीक है जी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन अन अटेम्प्टेड है, आपने अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, तो एक सर्कल होगा, आपको वो डार्क करके बताना पड़ेगा कि हमने ये क्वेश्चन अन अटेम्प्टेड ही रखना है, हम इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, ठीक है जी। अदरवाइज फिर वो उसको कुछ और तरीके से काउंट करेंगे, तो वी आर टू बी वेरी केयरफुल। क्वेश्चन हाँ जी बेटे, क्वेश्चन एक क्वेश्चन के आगे फोर सर्कल्स हो गए। एक आ गया आपका ऑप्शन लिखने के लिए कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मतलब आपने डार्क भी करना है अगर बी ऑप्शन है तो लिखना भी है। और उसके बाद एक सर्कल होगा, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं आपको वो सर्कल डार्क करना पड़ेगा इंडिकेट करने के लिए कि आपने ये क्वेश्चन अपनी तरफ से अन अटेम्प्टेड ही रखा है। यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। मान लीजिए आपने सारा पेपर कर लिया, तो आप जब अपने पेपर को एग्जाम में सेकंड थॉट दे रहे हो, बाद में आप रिवाइज करने लगे, आपको लगा कि मैंने सर्कल गलत मार्क कर दिया है, बी मार्क कर दिया, आंसर सी है, तो उस टाइम पर आप अपने बॉक्स में सी लिख सकते हो। इसका मीनिंग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा क्या है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब हम डार्क कर रहे हैं सर्कल्स को बॉक्स में उस टाइम पर नहीं लिखना चाहिए। अगर आप साथ ही लिख दोगे फिर तो आप उसको कर नहीं पाओगे, ओवरराइटिंग हो जाएगा, राइट बेटे। आप अपना सर्कल डार्क करते जाइएगा साथ साथ, लेकिन जो उस सर्कल का ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है, वो इन द एंड जब आप सेकंड थॉट दे रहे हैं तब करिएगा। लेकिन एक एक मिनट बेटा, मैं ये आपको यहाँ पे जोर देकर बात कह रहा हूँ, टाइम आपको उस अकॉर्डिंगली मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ए बी सी डी 35-40 क्वेश्चंस का लिखोगे तो इट विल टेक 2 और 3 मिनट्स, राइट बेटे। सो वो 2-5 मिनट का टाइम का आप अपने पास लेके चलना, ऐसा ना हो कि उधर से बेल हो जाए और हमारा वो बॉक्स में लिखने वाला अभी रहता हो, तो फिर बेटे प्रॉब्लम भी हो जाती है ना बेटा। और इससे भी जरूरी है कि आई होप आई कार्ड्स तो आपके पास सबके पास होंगे, अगर किसी के पास नहीं है तो अपना इश्यू करवा लीजिएगा, राइट बेटे। सो डियर चिल्ड्रन विदाउट वेस्टिंग टाइम एनी मोर बेटा, आपका सेट ए ध्यान दीजिएगा बेटे जरा सारे स्टूडेंट्स। हाँ जी उत्तर कैसे कैसे। हाँ हाँ जी, दो कैसे हो गए। नहीं, दोबारा दोबारा आपने उसको डार्क नहीं करना सर्कल को। एक मिनट बेटे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 1 2 3 4 इसके अंदर ए बी सी डी लिखा हो भी सकता है, नहीं भी, आई डोंट नो। तो आपने मान लीजिए बी वाला डार्क कर दिया, इधर बॉक्स है एक आपका, आपको यहाँ पे बी लिखना है। अगर आपको सेकंड थॉट के टाइम पर लगा कि नहीं जी सी है, आपने यहाँ पे सी लिख दिया, आपको यहाँ पे इसको दोबारा सी को डार्क करने की जरूरत नहीं है, जो है वो है, आपका ये वाला आंसर जो है इट विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल, राइट बेटे। हैं कैसे। नहीं बेटे, दे विल बी फोकसिंग अपॉन द रिटन कमेंट्स इन द बॉक्स, ये इसीलिए लिखवाया हुआ है ना उन्होंने। हाँ जी बेटे बिल्कुल, नहीं चेक वो भी होना है,
लिसन बेटे, लिसन वेरी केयरफुली, डोंट बी इन दिस मिसकंसेप्शन कि ये बॉक्स ही चेक होगा, ये चेक नहीं होगा। इसका वो ऑप्टिकल मैग्नेटिक जो है स्कैनिंग करेंगे, जैसे वो करते ही ऑलरेडी। जिस क्वेश्चन में ऐसे डिस्प्यूटेड होगा तो वो उसको मैनुअली आपका ऑलरेडी चेक हुआ होगा, वो उसको साथ में कंसिडर करके चलेंगे। ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनकी सिरदर्दी अपने आप देखेंगे वो, राइट बेटा। और डियर चिल्ड्रन, अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है और आप इसको बच्चों अन अटेम्प्टेड रखना चाहते हैं, मे बी यहाँ पे कोई सर्कल होगा, आप इसको ऐसे डार्क कर दोगे तो इट विल बी द इम्प्रेशन दैट कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं आप, समथिंग लाइक दैट। तो बाकी एक बार जैसे ही बेटे की का फॉर्मेट आ जाता है तो दैट विल बी फॉरवर्ड टू यू इन योर ग्रुप्स आल्सो, सो दैट कि बच्चे एक बार उसको देख लें, ध्यान से शीट के फॉर्मेट को देख लें, कौन कौन से आपको पर्टिकुलर्स कैसे कैसे फिल करने हैं, वो सारा आपको बेटे कन्वे किया भी जाएगा। हाँ जी पुत्र। नहीं वो तो आ गया हुआ है, उन्होंने आपको बेटे कुछ और भी इंफॉर्मेशन देनी है बच्चों को, वो दैट विल बी ऑल इन पीडीएफ फॉर्म। जैसे ही वो बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन आ जाएगा दैट विल बी गिवन टू यू ऑल्सो। हाँ जी पीडीएफ आप बच्चों के लिए कह रहे हो आप आ गया है, इफ इट इज देयर दैट विल बी फॉरवर्ड टू यू, इसमें कोई बात ही नहीं है बेटा, ठीक है जी। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर मेरे पास था बेटे, इसमें ना कुछ आपका लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम भी आया था, बच्चों ने इन्वेस्टिगेट कर लिया था इसको। क्वेश्चन नंबर 9 था बेटे आपका बच्चों, इसमें आपको एक सर्कल आप बेटे करवा लीजिए, फिर उसको जल्दी करवा लीजिएगा, आप अपने मैम से पूछ के जाना, ठीक है बेटे। ये बेटे आपको एक सर्कल दे रखा है इस तरीके से डॉटेड लाइन की फॉर्म में, ये क्वेश्चन में आपको 1.25 कूलम एंड दिस इज 7 कूलम एंड इट इज अगेन 1 कूलम एंड इट इज -0.4 कूलम, और आपको बताना था कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस। एक यहाँ पे बाहर 7 कूलम का चार्ज है, एक 6 कूलम का इधर भी बाहर है बेटे। डियर चिल्ड्रन हमारा बाहर वाला जो सर्कल के चार्जेस हैं हम इनको कभी भी काउंट नहीं करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस जितने भी हैं आपके आप इनको ऐड कर लीजिए, नेगेटिव वाले को इसमें से माइनस कर लीजिएगा, इट विल बी यूर 1.25 और 7 एंड 1, ये आपके पास 9.25 आ गया, इसमें से आपने 9.25 में से 0.4 माइनस कर दिया, इट विल बी 8.85 बन गया जी। तो आपका डियर चिल्ड्रन फ्लक्स जो होगा इट विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्लोज्ड सर्किल। तो आपका देखिए दिस इज 1.8.85 10^-12 और Q आपका 8.85 कूलम है, ये इससे कट जाएगा, अकॉर्डिंगली आप इसको मैनेज कर सकते हैं, राइट बेटे। और बेटे दूसरे सेट में ना इसमें आई थिंक मार्किंग में बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, हाँ जी मैं वो ही बताने जा रहा हूँ, लेट मी टॉक इन दैट टर्म्स। वो जिसका है वो अपना एक मार्क चेंज करवा लेना बाद में, ऐसा ना हो कि जब भी किसी स्टेज पर रिपोर्ट कार्ड बने आपका नंबर रह जाए, जिसका भी किसी का होगा पुत्र। हाँ जी बेटे। हाँ नहीं बेटे चेकिंग में चेंज का नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी का ऐसे रह गया था ना जैसे मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसको आप अपना करेक्ट जरूर करवा लेना, अपना नंबर एक बढ़वा लेना, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ जी अगर किसी का है प्रॉब्लम वाली बात, बिकॉज एट ए लेटर स्टेज जब भी आपको रिपोर्ट कार्ड चाहिए होगा तो फिर नहीं तो आपका यही रिकॉर्ड उठाकर वो दे देंगे आपको, राइट बेटे। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटे आपके पास था लेट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सर्फेसिस बी 5/1, 5/2, 5/3 एंड 5/4, और पहले वाले में आपका 2 कूलम का चार्ज एनक्लोज्ड है और दूसरे वाले में आपके पास बेटे जो है प्लस के 3 चार्जेस हैं, पहले वाला मैं बना ही देता हूं बेटा ये हाँ जी बेटे डियर चिल्ड्रन ये ऐसे था
एस वन था, इसमें बेटे आपको दिए हुए हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड अगेन प्लस क्यू एंड बेटे प्लस क्यू, इसको आपने डियर चिल्ड्रन एस टू बोला हुआ है, और इसमें आपके पास बच्चों क्यू अगेन क्यू, और यहाँ पे आपका बच्चों 5 क्यू है, और यहाँ पे इसको आपने एस थ्री सरफेस बोला है, और बेटा जी ये बिल्कुल बिल्कुल बेटा ये आपके पास 8 कूलम, और -2 क्यू -4 क्यू, ये आपका बेटे जो है यहाँ पे 3 क्यू भी है, इसको सरफेस को आपने S4 बोला। यहाँ पे बेटा आपका जो ऑटोमेटिकली चेकिंग वाला की था, मे भी उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, इसमें नेट चार्ज आपका 2 कूलम का है, जब आप इनको ऐड करोगे इट विल आल्सो गिव यू 2 कूलम बेटा, इसमें जब आप ऐड करोगे दैट इज अगेन 2 कूलम, इसको जब आप करोगे अगेन आपका 2 कूलम ही रह जाएगा, तो आपका फ्लक्स सब में सेम ही आएगा। इसका फ्लक्स अगर 5 1 है, उसका 5 2 है, इसका 5 3 है, एंड इट इज 5 4, दीज ऑल आर गोइंग टू बी इक्वल, राइट बेटा, जस्ट बिकॉज आपका जो फ्लक्स फाई है इट इज 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज बीइंग एनक्लोज्ड, राइट, सो नेट चार्ज आपका बच्चों सेम है, तो इट विल ऑब्वियसली बी द इक्वल फर्स्ट ऑप्शन है सच, बिल्कुल ठीक, राइट बेटा, अगर किसी का है तो बेटे बाद में जब भी आपको टाइम मिलेगा करवा लीजिएगा। देन बेटे डियर चिल्ड्रन इसमें ना एक 35th क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और बात करना चाहता हूं इसी सेट में, आइए जरा ब्रीफली बात करके देखें, क्वेश्चन नंबर 35 B सेट का ये आई थिंक ये भी, फिर मैं आपको ए सेट के भी वो रेलेवेंट क्वेश्चंस के बारे में जरूर गाइड करूंगा। बेटे आपके पास एक ये 35th है बेटा डियर चिल्ड्रन, आपको क्रॉस साइंस दिए हुए हैं, बेटे क्रॉस का मतलब राधिका क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड्स, वेरी राइट बेटा, और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बेटे आपको बी दिया हुआ है, और आपके पास एक रेक्टेंगुलर या स्केयर की फॉर्म में कॉइल है मेटल का, और इसको आप बेटे वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हो। आपको उन्होंने कहा है क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक कंडक्टिंग स्केयर लूप, ये कंडक्टर का बना हुआ स्केयर शेप का लूप है ऑफ साइड एल, इसकी साइड एल के बराबर है, सारी साइड्स बराबर ही हैं, एंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर, इट इज बेटा मूव्स इन द प्लेन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ए मैग्नेटिक इंडक्शन बी कॉन्स्टेंट इन टाइम एंड स्पेस पॉइंटिंग परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन ऑफ द लूप एग्जिस्ट एवरीवेयर द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप इज, देखिए बेटे यहां पर डिफरेंट ओपिनियन किसी का हो सकता है, बिकॉज उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बाहर निकल गई है, अनटिल और अनलेस आप ऐसा समझ रहे हैं कि आपका लूप अंदर ही अंदर है, तो फिर बेटे फ्लक्स में चेंज कोई हुआ ही नहीं है, वो तो जीरो आ जाएगा, तो मैं अगर हम अदरवाइज सोचें द मोमेंट यू विल बी टेकिंग इट आउट, इमेजिन कर लीजिए ये आपका लूप बेटा इतना बाहर चला गया है और बाकी का हिस्सा इसके अंदर ही है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बेटे डिक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ जो लिंक हुआ पड़ा है, और उसको इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो अपने ही कॉज को अपोज करने वाला होगा, उसका कॉज इस मैग्नेटिक फ्लक्स का डिक्रीज करना है, तो ये फील्ड के अपोजिट फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब इस तरफ हो जाएगा, इधर आपका साउथ आएगा, तो अगर साउथ है तो आप अच्छे से जानते हैं डियर चिल्ड्रन अगर आपका लूप में करंट बच्चों क्लॉकवाइज है तो बाई दिस मेमोरी एड हम इसको साउथ पोल बोल दिया करते हैं, और अगर आपका करंट बच्चों एंटी क्लॉकवाइज है तो बाई दिस मेमोरी एड हम इसको नॉर्थ बोलते हैं, तो अब इसके एग्जिस्टिंग फील्ड के अपोजिट जब होगा तो इधर साउथ बनेगा, और जब आप टॉप से व्यू करोगे तो इट मस्ट बी क्लॉकवाइज बेटा, तो बाकी इमोशनल ईएमएफ आप जानते हो इट इज बेटा ईएमएफ कितना होता है बी एल वी, और आप इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास उत्तर क्या आ जाएगा,
करंट आ जाएगा, है ना बेटे। आपको पूरी लूप का रेजिस्टेंस उन्होंने आर दिया हुआ है, आप जानते हैं आई आपका वी अपॉन आर हुआ करता है, आपने कर दिया आई आ गया, डायरेक्शन आपको एस एच मिल गई बेटे, राइट बेटे। हाँ जी पुत्र, आई डोंट रिमेम्बर दिस वे बेटा, मे बी आई डोंट रिमेम्बर बेटा, वो फिर आपका ऑटोमेटिक था ना, तो नहीं ऐसे मुझे यार, हाँ मुझे तो ये लग रहा है, नहीं नहीं उन्होंने बेटे कहा है ना कि इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो बाहर तो अल्टीमेटली निकलेगा ना। नहीं 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 नहीं, हाँ कोई बात नहीं बेटे, ठीक है दोनों ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। नहीं बेटे ऐसे, वो तो ग्रीन डॉट्स आपने काउंट किए होंगे, आई डोंट नो दैट वे बेटा, आपका वो ऑटोमेटिक ही चेकिंग हुआ है, जैसे कि आ गया वैसे ही उसको स्कैन करके कर दिया गया था, तो अगर होगा तो देख लेंगे, कोई बात भी नहीं है। 41st क्वेश्चन बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन की, डायग्राम देकर वो क्वेश्चन आपको इस तरीके का डेफिनेटली पूछते आए हैं, और आने वाले टाइम में आप ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर भी सकते हो। सो बेटा इसमें आपको दो प्लेट्स दी गई हैं, इनके ऊपर आपका चार्ज दिया गया है, ये डियर चिल्ड्रन पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज बेटा नेगेटिव चार्ज। द आपको कहा गया है द फिगर शोज द ट्रैक्स ऑफ द थ्री चार्ज पार्टिकल्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बेटे जब आपको उन्होंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लिख दिया, इसका मतलब है फील्ड आपका इस पार्ट में ई के बराबर मान लीजिए एग्जिस्ट कर रहा है, तो बराबर का ही है, सेम है, यूनिफॉर्म है। देन आपको जो चार्ज पार्टिकल्स दिए गए हैं, पहला पार्टिकल बेटे इस तरीके से है और इट इज जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे उन्होंने वन नंबर लिखा हुआ है। सेकेंडली आपको एक और दिया गया है बेटा, और इसको यहाँ पे टू नंबर लिखा गया है जी। एंड डियर चिल्ड्रन थर्ड वाले में आपको ये डिफ्लेक्शन थोड़ी ज्यादा हो रही है, और आपको ये चार्ज दिया हुआ है ऐसे। एक मिनट देख लेते हैं, फिगर शोज द ट्रैक्स ऑफ द थ्री चार्ज पार्टिकल्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, विच पार्टिकल अंडरगोस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किस पार्टिकल की होगी, ये आपको बेटे रिक्वायर्ड है। इसमें बड़े ध्यान से बेटे समझने की कोशिश करिएगा, आप जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हो, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज हुआ करता है, और आपका फोर्स बेटे क्यू इंटू ई के बराबर का है बेटा। अब आपके तीनों चार्जेस जो हैं बेटा, इनके ऊपर बराबर का ही फोर्स लग रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों बराबर ही डिस्प्लेस होंगे। और अदरवाइज बेटा आप अगर बात करोगे तीन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई और आप मैग्नेटिक फील्ड इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करोगे, क्रॉस फील्ड लगाओगे, तब आपका जो ओपिनियन है वो बदल भी जाएगा। और एक बात मैं आपको यहाँ पे और गाइड कर दूं बेटा, कई बार हमारे सैंपल पेपर्स पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वहां पे हमारा कुछ ऑप्शन बन गया, हमने लिख दिया और ठीक है नंबर भी मिल गया, लेकिन बेटे कई बार स्टेटमेंट में कोई पार्ट पूरा कंप्लीट नहीं होता। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, आप कह रहे हैं कि बाहर नहीं निकला, मैं कह रहा हूं निकला है, वहां पे उन्होंने क्लियर किया नहीं है, तो ऐसे केसेस में एक बार आपने स्टेटमेंट को सेकंड थॉट जरूर देना है, और आपने ये गलती वहां पे नहीं करनी। मे बी जो आपके सैंपल पेपर्स हैं, जो आप जो भी जिस भी पर्टिकुलर पब्लिशिंग हाउस ने बनाए हैं, मे बी वहां पर कोई स्टेटमेंट का पार्ट रह गया हो, इनकम्प्लीट हो, या समथिंग लाइक दैट। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो जी लिखा नहीं है ठीक या गलत है, ऐसी बात नहीं है, तो कहीं पर जो डिस्प्यूट के चांसेस जो हैं आपके मन में आ जाएं, तो एक सेकंड थॉट आप स्टेटमेंट को जरूर दीजिएगा, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपने कौन सा आंसर मार्क करना है। जल्दी में मत करिएगा, टाइम आपके पास काफी होगा, क्वेश्चन आपने इतने ज्यादा नहीं करने हैं, टाइम आपके पास काफी रहेगा,
और आई होप कि आपके न्यूमेरिकल्स के साथ साथ थ्योरी वाले काफी क्वेश्चंस आएंगे और लेवल उनका आपके प्रेजेंट वाले से ठीक ही होगा। हाँ जी बेटे, यस डियर चिल्ड्रन, 42nd क्वेश्चन देखिएगा। इसमें हमने बहुत बार किया था लेकिन फिर भी बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम इसमें आया था। लास्ट टाइम कुछ बच्चे कह भी रहे थे, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल। आपको बच्चों एक इंडक्टर दिया गया है, इंडक्टेंस इसका बेटे एल है। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल हेनरी कैरिंग एक करंट आई एम्पियर। आई करंट कैरी कर रहा है बेटे। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आपको निकालना है। आपको याद होगा मैग्नेटिक एनर्जी। हाँ बोलिए बोलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बेटा। एक मिनट के लिए मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर तो आप सिंपल मैग्नेटिक एनर्जी की बात करोगे तो दैट विल बी 1/2 L I₀ का स्क्वायर। कुछ आपने ऐसा रिलेशनशिप कर रखा है। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एनर्जी एनर्जी है, ठीक है जी। और अगर आप करोगे बात एनर्जी डेंसिटी की, आप इसको वॉल्यूम से डिवाइड करोगे इस सारे को, और जब आप वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो ये सारा बेटे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी हमने, आपको याद होगा, एल की भी और आई की भी। और ये आपके पास बेटा बी का स्केयर अपॉन 2 μ₀ कुछ ऐसा हमारा बन गया था। इसके बिल्कुल पैरेलल, और सुनिएगा बेटा, आपका बिल्कुल पहला चैप्टर जो है वहां पर आई थिंक जहां पे आपने वो कैपेसिटर्स वाला कंसेप्ट डिस्कस कर रखा है वहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन भी आता है। अगर आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक, वेरी राइट बेटा। जब तक तो आप एनर्जी की बात करते हो आपके कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इट इज 1/2 C V² था। इसको आपने सी की और वी की वैल्यूज पुट करके दो और फॉर्मूलास भी बनाए थे, है ना बेटा। अगर आप बात करोगे इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी की तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू बेटा 1/2 ε₀ एंड ई का स्क्वायर। ये दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों आपके एनर्जी डेंसिटीज के एक्सप्रेशन है, ये वाला और ये वाला, और एनर्जीज के लिए आपके ये दो एक्सप्रेशन हैं। और इनमें थोड़ा बहुत कई बार बेटे मॉडिफिकेशन जो है वो कर दिया जाता है ताकि बच्चों को अकॉर्डिंगली क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा जा सके। एक बेटे और पॉइंट है डिस्कस करने वाला, क्वेश्चन नंबर 50 और 55। एक मिनट बेटा, टू मेक द फील्ड रेडियल इन ए मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द क्वाइल इज केप्ट स्मॉल, द मैग्नेट इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ हॉर्सशू, पोल्स आर ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, पोल्स आर सिलेंड्रिकली कट। सिलेंड्रिकली कट वाला आ जाएगा, ठीक है जी बेटे। एक ये देखिएगा क्वेश्चन, दैट वाज इन योर क्वेश्चन नंबर 22, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। 22 क्वेश्चन नंबर है बेटा, लेट अस फोकस अपॉन दिस बेटे डियर चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 22 आपका सेट ए का है ये। कल बच्चों को काफी कंफ्यूजन था इसके बारे में, कंफ्यूजन काफी ज्यादा था। जरा ध्यान से स्टेटमेंट सुनिएगा पुत्र। आपको कहा गया है टर्न रेशो इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज 1:2। पहली बात तो ये है स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपको दिया गया है, इसमें टर्न्स रेशो NS/NP होता है ना बेटा, ये आपको दिया गया है जी 1:2, राइट। देन आपको कहा गया है एक लेक्लेंचे सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट। लेक्लेंचे सेल है, EMF इसका 1.5 वोल्ट है, ये प्राइमरी हो गया आपका। फिर बेटे इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द इनपुट, आई मीन टू से दैट ये आपके पास ट्रांसफार्मर का सेटअप है। ये आपका ट्रांसफार्मर का ऐसे होगा बेटा, और अगर इतनी टर्न्स इसमें हैं तो स्टेप अप है तो इसमें ऑब्वियसली डबल होगी। यहाँ पे उन्होंने ये सेल लगा दिया 1.5 वोल्ट इसका EMF है,
व्हाट इज डिमांडेड इट इज दैट व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द आउटपुट। यहां पे आपको आउटपुट वोल्टेज के बारे में बच्चों पूछा गया है। ऑप्शन सी 1.5 वोल्ट ही रह जाएगा और 0 वोल्ट होगा या 3 वोल्ट हो जाएगा, डबल हो जाएगा मतलब, या 0.75 वोल्ट हो जाएगा बेटा। वेरी गुड वेरी गुड। कैन यू एक्सप्लेन इट व्हाई इट विल बी डबल? स्टेप अप में आपका वोल्टेज बढ़ जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वुड यू लाइक टू गिव द सेकंड थॉट टू दिस और नॉट? मेरी बात ध्यान से पुत्र सुनिएगा। प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसफार्मर आपको दे दिया, रेशो आपको दी हुई है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, ये 2:1 कर लीजिए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब है कि स्टेप अप में तो फिर आपका डबल ही होगा ना, मैंने लिख दिया। अब आपको कहा गया है कि प्राइमरी के क्रॉस आपने एक सेल लगा दिया, इसकी वोल्टेज आपको दी गई है, आउटपुट वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड है। पुत्र आप, हाँ जी बेटे, वो क्यों पुत्र? हाँ जी हाँ जी, EP is given to you, ES is required, good. एक्चुअली बेटे कल यही बच्चों को कंफ्यूजन था, आपको बेटे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर याद होगा तो जब हमने ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट किया था ना, आपको मैंने एक ये बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा उस टाइम पे करवाया था और मैंने आपको जोर दे के कहा था कि CBSE ने ये पूछा हुआ है और आपने तब मानना भी था। लेकिन आप यहाँ पे इसको ना, जो वर्ड दिया हुआ है लिकलेंचे सेल, इसको देखना भूल गए हैं। ये आपका बेटा जो है AC सोर्स नहीं है, DC का सोर्स है, और ट्रांसफार्मर आपके DC को स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं करता, तो ये 0 वोल्ट ही होना चाहिए था। ठीक है जी बेटे, तो ऐसी चीज का आपने थोड़ा ध्यान रखना है। ये ऑलरेडी CBSE ने आपको पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन बेटे, और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हैं जी, हाँ हाँ, देखो गुड़िया, आपको जब लिकलेंची डेनियल सेल वोल्टिक सेल पढ़ते हो, आपको पता है ना कि वो आपके जो है आपके सिंपली DC सोर्सेस हैं, तो वी कांट यूज दोज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन अप। हाँ जी बेटे, हाँ इस चीज का ध्यान रखना है बस, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट आई बेटा। और काफी बेटे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, काफी हमारे अच्छे बच्चे कल ये गलती कर गए हैं और वो नंबर के लिए इंसिस्ट कर रहे थे, फिर उनको समझाया कि ये सेल है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। राइट बेटे, इसका बेटे कंफ्यूजन हो जाता है, कॉमन बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा आपको लगे तो गिव वन सेकंड थॉट टू द क्वेश्चन आल्सो बेटे। राइट जी, देन पुत्र जी ये आपके पास था बेटा क्वेश्चन नंबर 21 भी, देखिएगा मैं लिखूंगा नहीं, बोलने वाला ही है ये। द क्वाइल ऑफ ए मूविंग क्वाइल गल्वेनोमीटर इज वाउंड ओवर ए मेटल फ्रेम इन ऑर्डर टू रिड्यूस हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस आपको वैसे पता भी नहीं है, आपने नहीं किया आपके सिलेबस में से, CBSE ने काट दिया हुआ है। इंक्रीज सेंसिटिविटी, थर्ड इज इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्थ इज प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। बेटा क्यों नहीं, ऐसे मत कहिए लिखा हुआ है, आप अपना एक्सप्लेन करिए ना पुत्र। क्वेश्चन इज दैट बेटा, ए क्वाइल ऑफ ए मूविंग क्वाइल गल्वेनोमीटर, मूविंग क्वाइल गल्वेनोमीटर के अंदर एक वो क्वाइल हमने लगाया हुआ था, दैट इज बेटा वाउंड ओवर ए मेटल फ्रेम, उस क्वाइल को मेटल फ्रेम के ऊपर वाइंडिंग किया गया है। ठीक है जी, दिस इज डन इन ऑर्डर टू रिड्यूस हिस्टेरिसिस, इंक्रीज सेंसिटिविटी, इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। आपका जवाब ठीक है, बिल्कुल ठीक, वेरी राइट। जब आप इसको मेटल के फ्रेम पर वाइंड करोगे, एडी करंट्स के कंसेप्ट की वजह से वो अपने कॉज को अपोज करेगा
और उसकी जो डैम्पिंग है वो एकदम से खत्म हो जाएगी और आपका नीडल टॉगल नहीं करेगा, इट विल स्टिल कम टू द स्टेबल पोजीशन विद इन नो टाइम। और इसको आप यूज भी करके देख चुके हो अपनी लेबोरेटरी में, आपने देखा था कि गल्वेनोमीटर टॉगल नहीं करता जब से आप रीडिंग लेते हो, आराम से जाकर 10, 20, 25, 30 पे जाकर रुक जाता है, कभी भी नीडल उसका ऐसे ऐसे नहीं करता। देन 24th वाला भी देखिएगा, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा है। इफ इन ए सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ, करंट आई जो है इट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ ई बाई पाई बाई टू। यस बिल्कुल ठीक है जी, बाई पाई बाई टू। देन इट इज ए और एन रेजिस्टर सर्किट, कैपेसिटर, इंडक्टर, सी आर इंडक्टर सर्किट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात और भी ध्यान से सुनिएगा, समटाइम्स व्हाट हैपेंस दैट कि आपका इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट होता है, लगे तीनों कंपोनेंट्स हैं, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, प्योर रेजिस्टर भी है, अगर आपका उस केस में इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट होगा तो भी आपका जो है ये फेज डिफरेंस पाई बाई टू तो नहीं होगा लेकिन करंट आपका लैग ही करेगा, और अगर आपका कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट होगा तो करंट आपका पाई बाई टू फर्क पे तो नहीं होगा बट इट विल लीड। राइट बेटे, अगर एंगल एग्जैक्टली पाई बाई टू है देन नो प्रॉब्लम, इट इज इंडक्टर। अगर ये लीड कर रहा है देन इट विल बी प्योर कैपेसिटर। और अगर बेटे मैं ये कहना चाह रहा हूं पुत्र जी ध्यान दीजिएगा, अगर वो आपको इसके बिना कोई छोटा एंगल दे देते हैं ठीक है जी, उस टाइम पर गिव सेकंड थॉट दैट कि क्या आपका कहीं ये कैपेसिटेंस इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट जो है दैट विल बी द वे टू टैकल दिस क्वेश्चन। राइट बेटा, प्रॉब्लम नंबर बेटा अब वो क्वेश्चन आ ही गया आपका, देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 38 इट इज बेटा, आइडेंटिफाई द क्वांटिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट एंड ई का स्क्वायर, इट इज एनर्जी डेंसिटी बेटे, वेरी राइट। और देन बेटे एक क्वेश्चन आपको लूप की डायरेक्शन बताने वाला था, दैट वाज आल्सो देयर, लेट मी सी दैट पार्ट आल्सो। यस क्वेश्चन नंबर 14, हां जी ठीक कह रहे हो आप, 1/4 क्वेश्चन नंबर, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन इट। हाउ विल द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन द लूप इज इन द गिवन लूप, आपको एक लूप दिया गया है और इस लूप के साथ आपने एक इलेक्ट्रॉन का मोशन दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं डायरेक्शन के रिगार्डिंग। बेटे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट समझिएगा, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का मोशन है आप कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इससे उल्टी मानते हैं, आपका करंट इस तरफ होगा बेटा, जिस तरफ करंट है, अगर मैं अपना राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करूं, दिस इज करंट, फील्ड मेरा यहां पे इनवर्ड हो गया, अगर इनवर्ड होगा इस रीजन में तो मैं क्रॉस साइन लगाऊंगा, क्रॉस साइन का मतलब हुआ बेटा नॉर्थ टू साउथ, साउथ पोल आपका उधर अंदर की तरफ है। अब पहले इलेक्ट्रॉन के आने से पहले कोई फील्ड नहीं था, इलेक्ट्रॉन आया आपका एक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड हो गया, उसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आ गया और फ्लक्स की वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया और इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने ही कॉज को अकॉर्डिंग टू द लेंज़ लॉ अपोज करेगा, और अपोज करने का मतलब है एग्जिस्टिंग फील्ड के अपोजिट फील्ड डिवेलप होगा, अपोजिट का मतलब है कि पीछे नॉर्थ अपवर्ड साउथ हो गया और आपकी तरफ अगर साउथ फेस है तो इट मस्ट बी क्लॉकवाइज बेटे। राइट बेटे, इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है बेटा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं कई बार हमें डायरेक्शन को कैलकुलेट करने में गलती लग भी जाती है, यू आर टू बी वेरी 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 एक्स्ट्रा केयरफुल वाइल मार्किंग द डायरेक्शन स्पेशली व्हेन द इंड्यूस्ड करंट और इंडक्शन। हाँ जी बेटे, जब आई
हाँ जी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया बिल्कुल तो जो वो बनेगा क्रिएटिव फील्ड हाँ हाँ उसकी वो इस हिसाब से बनेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर वो इसको अपोज करे, इसको अपोज करेगा ठीक है, सर इसको अपोज करेगा का मतलब है कि ये आपका नॉर्थ है, अब उसका उधर नॉर्थ हो गया, वो नॉर्थ टू साउथ आ गया ना, आपको आप जिसको फेस कर रहे हो वो साउथ आपका पोल है, साउथ पोल में आपका करंट जो है, अभी अभी हमने बात की थी बेटा कि अगर आपका करंट क्लॉकवाइज है तो आपका वो पोलैरिटी साउथ होगा बेटा, दैट्स व्हाई इट विल बी क्लॉकवाइज, राइट बेटे? सो इस चीज का ध्यान रखिएगा डायरेक्शन के रिगार्डिंग बेटा। और हाँ जी बेटे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओके बेटे, थैंक यू बेटा, आप बैठ जाइए एक मिनट के लिए बेटे, डियर चिल्ड्रन प्लीज सिट।